हाय गाइस, देखिए तो आज हम यहाँ पे आए हैं जो अयोध्या, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर दूं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है, अभी की नहीं है। जब ये अयोध्या बना नहीं था तो जो लोग ने बना हुआ मतलब ऐसे नहीं देखा है, जो लोग बना हुआ देखेंगे उनको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको मैं पूरा अयोध्या आपको दिखाती हूँ। तो ये है सरयू नदी। ये अब देखें अभी कितना मतलब बहुत सफाई नहीं है, गंदगी है, तो अब ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और सफाई हो गई होगी। लेकिन अभी ये पहले की वीडियो है, तो ये यहाँ पे बोटिंग होती है। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी और बहुत गहरी है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बोटिंग करें। तो अभी मेरी बहन आएगी, देन हम लोग साथ में उसके बोटिंग करेंगे। तो अभी इसमें पहले पैर धुलते हैं, लोग नहाते हैं, तो नहाते हैं सब लोग। अब हम लोग सोच रहे हैं कि बोटिंग करें। अभी कुछ लोग हैं जो साथ में आए हैं, वो लोग पैर वैर धुल रहे हैं, तो सब आ जाए तो साथ में ही बोटिंग करेंगे। तो ये देखो हम लोग बोटिंग करने के लिए बैठ गए हैं। तो ये मैं सबसे बातें कर रही हूँ और मेरी वीडियो भी शूट हो रही है। तो अब ये बोट चल रही है, देखो इतनी स्पीड में चलती है ना, इतनी स्पीड में मज़ा आ जाता है। अगर देखो मैं कितनी खुश भी हूँ, बहुत मज़ा आया मेरे को। हाथ इसमें आप पैर भी हल्का सा कैसे बैठ सकते हो, बट हाँ ये बहुत गहरा है, गिरने के बाद बचाने का कोई चांस मतलब हाँ अगर बचाने वाला हो बच जाएगा, बट यहाँ कोई रिस्क ना लो आप। देखिए ये वाला सीन मुझे बड़ा मज़ा आया था, ये वाला सीरियसली बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग इतनी मस्ती किए सब भूल गए। तो ये देखो अब हम लोग वोटिंग भी करके आ चुके हैं। देखो मैं पहले और भी पतली थी, वीडियो में देख रहे हो आप। तो ये हमारा वोटिंग फिर दिखाए, देखो ये पुल बना हुआ है, ये बहुत इसी से मतलब जाते हैं गोरखपुर वगैरह, इससे मतलब आगे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पुल से होकर जाता है। इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। तो ये देखो इतने सारे बोट हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे। और ये देखो अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखो ये ऐसा ही मतलब उन्होंने बनाया था, इसका वो था क्या बोलते हैं, हाँ कि ऐसा ही मंदिर बनेगा मैं कभी भूल जाती। और ये देखो इतनी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ईंट वगैरह रखे हैं, सब सेट करने को रखे हैं, सब कुछ पहले से ही आ गए हैं। देखो ये सब रखे हैं, बहुत ये ऐसा बोलते हैं राजस्थान का बहुत फेमस डिज़ाइनर डिज़ाइन करने वाले लोग हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं। देखो सब ईंट वगैरह सब आके रखा हुआ है, बस सेट करने को है। जब सेट हो जाए ये देखो काम चल रहा है, अभी छोटी ये डिज़ाइन बना रहे हैं जो अंकल हैं। इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया, देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत से लोग यहाँ बनाते हैं, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इनको पता है कि अयोध्या कंप्लीट, तो फाइनली आज हमारा अयोध्या कंप्लीट हो गया। ये हमारे तीर्थ स्थल है, स्थल है ना। और ये देखो ये जो ईंट है, ये पता है क्या है, ये जो लोगों ने अपने अपने गांव से ईंट लेकर आए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए। देखो इतने ईंट हैं ये रखे हुए हैं, इस पे राम लिखा हुआ है। वाओ कितनी अच्छी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे ना यहाँ पे, बहुत अच्छा। ये देखो यहाँ भी एक छोटा सा टेम्पल बना रखा है उसी ईंट में, इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे सारे। तो ये गेट बना हुआ है, यहीं से हम लोग अंदर जाते हैं कि गेट। और ये एक दूसरा मतलब कई पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से मैंने कुछ मिठाइयाँ ली और प्रसाद लिए ताकि चढ़ा सकूँ। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मैं मतलब काफ़ी टाइम के तो भूल गई हूँ, और ये साउंड मैं नहीं दे सकती क्योंकि बहुत अजीब मतलब खड़खड़ाहट की आवाज़ थी। हनुमानगढ़ी है ये शायद, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो मैंने चश्मा लगा लिया है। अरे ये बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा, बड़ा
बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा कि आप थक जाओगे घूमते घूमते। और ये बता दूं कि जो मेन जगह था वहाँ मैं कैमरा ही नहीं ले जा पाई, क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी सिक्योरिटी थी। बट हाँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना, जब ये सब सही हो जाए कोरोना वगैरह, तो मैं पूरा शूट करूँगी। और अगर आप बहुत दूर रहते हो, आप नहीं, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर है ना, हाँ बस इतना ही है, तो हम लोग इजली चले जाते हैं। और बिल्कुल ये बन गया तो ज़रूर जाएंगे। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपने पूरा अयोध्या देख लिया, तो इससे एक लाइक ज़रूर करना।